हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल किचन ऑफ क्वीन। तो आज मैं आप लोग के साथ कुछ अलग और कुछ न्यू टिप्स के साथ कुकर में कटहल की सब्जी की रेसिपी बताने वाली हूँ, जो बहुत ही इजी प्रोसेस है। इस रेसिपी को जब आप एक बार बनाइएगा और इस तरीके से, तो आप बार बार बनाने लगिएगा। कटहल की सब्जी किसे खाना पसंद नहीं है, ये तो एक ट्रेडिशनल रेसिपी है। ये रेसिपी तो सभी को खाना बहुत ही पसंद है। तो इस तरह से मैं जैक फ्रूट को ली हुई हूँ। तो आप लोग इस तरह के कच्चे कटहल का यूज़ करें, छिलके वाले कटहल का यूज़ करें। तो देखिए, इस तरह के कटहल लीजिए। तो यहाँ पे मैंने आधा केजी कटहल ली हुई हूँ, ये आधा केजी वाली कटहल है। अब मैं इसे कट करूँगी। तो आप लोग इसे हसुआ की सहायता से इसे अच्छी तरह से कट कर लीजिए। अगर आप लोग के घर में हसुआ नहीं है तो नाइफ़ के हेल्प से इसे अच्छी तरह से कट कीजिए। कटहल को काटना बहुत ही मुश्किल होता है, ये इसमें बहुत सारे लसलसापन होता है, इसीलिए आप लोग इसे सावधानी पूर्वक से काटिए। अगर आप नाइफ़ की हेल्प से काट रहे हैं तो बहुत ही ध्यान देकर उसे काटिए। अगर आप लोग के पास इस तरह की हसुआ है तो आप लोग हसुआ से ही काटिए, क्योंकि हसुआ से जल्दी ये कटा जाता है और अच्छी तरह से ये कट जाती है। और इसे काटने के लिए कुछ इम्पोर्टेंट ट्रिक्स की ज़रूरत होती है। सबसे पहले आप इसके सारे छिलके को अच्छी तरह से काट लीजिए, इस कटहल में से कटहल के छिलके को हटा लीजिए। और फिर जब इसे के छोटे छोटे पीस करेंगे तो हाथ में मैं अच्छी तरह से तेल लगा लूँगी, क्योंकि अगर आप अच्छी तरह से तेल को हाथ में लगा लेते हैं, अच्छी तरह से हाथ में तेल लगाने से ये होता है कि आप कटहल जब काटते रहते तो उसमें जितने भी लसलसापन होता है वो हाथों में चिपकते नहीं है। इसीलिए आप हाथ में अच्छी तरह से पहले तेल को अच्छी तरह से लगा लीजिए, इसके बाद ही कटहल के पीसेस कीजिए। इससे यही होता है कि इसमें जो लसलसापन होता है वो हाथों में चिपकते नहीं हैं और अच्छी तरह से कट जाते हैं। तो देखिए कितनी इजीली मेरी कटहल कट रही है। तो आप लोग की भी इसी तरह से कटहल कटेगी। आप लोग अगर नाइफ़ की हेल्प से काट रहे हैं फिर भी हाथों में अच्छी तरह से कट तेल लगा लीजिए, जिससे आपकी भी कटहल अच्छी तरह से कट जाएगी। तो इस तरह से मैं यहाँ पर ढेर सारे कटहल को कट करके रख ली हुई हूँ। तो मैंने यहाँ पर आधा केजी कटहल का यूज़ की भी थी, तो इसमें से मैं आधा केजी कटहल नहीं लूँगी, आधा कटहल मैं इसे बचा करके रख लूँगी और उसके आधा ही लूँगी। तो मैंने यहाँ पे 250 ग्राम कटहल को काट करके रेडी कर ली हुई हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने सारे कटहल को काट करके रेडी कर दी हुई है। तो इस तरह से आप लोग भी कटहल को अच्छी तरह से कट कर लीजिए। तो इस तरह से आपके छोटे छोटे पीस में इस तरह से आपको कट करना है। थंबनेल देखकर तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि इस कटहल की रेसिपी को मैं कुकर में बनाने वाली हूँ। तो चलिए, मैं कुकर में इसे डाल रही हूँ। तो इसे मैं फ्रेश वाटर से इसे अच्छी तरह से वॉश करते हुए मैं इसे कुकर में ऐड कर रही हूँ। तो इस तरह मैं यहाँ पे सारे कटहल को अच्छी तरह से फ्रेश वाटर से धो रही हूँ, फिर मैं इसे कुकर में ऐड कर रही हूँ। तो इस तरह से आप लोग अच्छी तरह से धोने के बाद ही कुकर में ऐड कीजिए। तो मैंने यहाँ पर सारे कटहल को अच्छी तरह से धो करके एक कुकर में ऐड कर ली हूँ। तो इस तरह से आप लोग भी कर लीजिए। तो अब मैं इसमें पानी को ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक ग्लास पानी का यूज़ की हुई हूँ और इसका लीड लगा करके मैं इसे गैस पे चढ़ा दूँगी। तो क्योंकि हमें कटहल को उबालना है, इसीलिए मैंने कुकर में इसे ऐड करने के बाद मैं इसमें दो सीटी लगने दूँगी। तो मेरी एक सीटी पहले लग चुकी थी, अब देखिए दूसरी सीटी भी लग गई है। तब इसे मैं ठंडा होने के बाद मैं इसे खोल ली हुई थी। तो देखिए इस तरह जब ठंडा हो जाए पूरी अच्छी तरह से, तब इसका लीड मैं हटा ली हुई हो और मैं इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दी हुई हूँ। इसके बाद हम गैस पे कढ़ाई चढ़ाकर इसे अच्छी तरह से गर्म कर ली हुई हूँ। इसे मैं गर्म करने के बाद ही इसमें मैं तेल को ऐड करूँगी। तो मैंने यहाँ पे ऑयल को अच्छी तरह से ऐड कर दी हुई हूँ। इसके बाद मैंने तेल में एक चम्मच जीरा को ऐड करी हुई हूँ। इसके बाद मैंने यहाँ पर 2 से 3 तेज़पत्ता को ऐड करने के बाद इसमें मैं एक लाल मिर्च इसमें ऐड करूँगी, सूखी लाल मिर्च मैं इसे ऐड कर दूँगी। इसके बाद मैंने यहाँ पे एक प्याज को बारीक काट करके मैं इसमें ऐड कर ली हुई हूँ। वो इसके बाद इसमें मैं उबले हुए कटहल को ऐड करूँगी और इसे मैं अच्छी तरह से फ्राई करूँगी। तो मैं यहाँ पे इसे 2 से 3 मिनट तक इसे मैं फ्राई करूँगी।
इसके बाद मैंने यहाँ पे इसमें एक चम्मच नमक, एक चम्मच हल्दी, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जितनी आपकी कटहल है उसकी क्वांटिटी के अनुसार इसमें आप नमक को कम या ज़्यादा रख सकते हैं। इसके बाद मैं इसे अच्छी तरह से मैं मिला दूँगी और इसे मैं अच्छी तरह से मैं फ्राई करूँगी। तो देखिए इस तरह से आप भी इजी प्रोसेस में आप कटहल की सब्ज़ी बना सकते हैं। अब मैं इसे 2 से 3 मिनट तक फ्राई करूँगी। इससे पहले मैं इसे 2 मिनट के लिए ढक दूँगी। इसे मैं 2 मिनट ढक देंगे और इसका फ्लेम में मीडियम कर दूँगी। तब तक मैं मसाले तैयार कर रही हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे टमाटर, प्याज, अदरक के टुकड़े, लहसुन की कलियाँ सब ली हुई हूँ। इसके बाद मैंने एक मिक्सर का जार ली हुई हूँ, इसमें मैं 2 चम्मच जीरा को ऐड करेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे 2 चम्मच जीरा को ऐड करने के बाद 4 लौंग का यूज की हुई हूँ और इसके बाद मैंने यहाँ पे 2 छोटी इलायची का यूज की हुई हूँ और 2 से 3 दालचीनी के टुकड़े को मैं इसमें ऐड करूँगी। और मैंने यहाँ पे आधा से थोड़ा सा ज़्यादा चम्मच चिली पाउडर, रेड चिली पाउडर, 1 चम्मच कोरिएंडर पाउडर और इसके बाद मैंने यहाँ पे सारे प्याज, टमाटर, अदरक के टुकड़े और लहसुन की कलियाँ सभी को मैं पीस दूँगी। तो आपकी कटहल जितनी है आप उसके क्वांटिटी के अनुसार ही पीसिए। तो मैंने यहाँ पे एक और सब्ज़ी में बना रही थी इसीलिए मैं थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी ली हुई हूँ। इसमें मैं पानी को ऐड कर दी हुई और मैं इसे अच्छी तरह से पीस ली हुई हूँ। तो इसे अच्छी तरह से ग्राइंड करने के बाद देखिए मेरे 2 मिनट हो चुकी है। तो मैं इसका लीड हटा करके इसे फिर से अच्छी तरह से 1 से 2 बार अच्छी तरह से मैं मिलाऊंगी और इसे मैं यहाँ पे 1 मिनट तक अच्छी तरह से मैं फ्राई करूंगी। तो देखिए मैंने इसे अच्छी तरह से फ्राई की हुई हूँ। तब मैं इसी में थोड़ा सा कटहल को साइड करते हुए 1 चम्मच में फिर से तेल को ऐड करूंगी और फिर मैंने यहाँ पे आधा जो मसाले को मैं ऐड करूंगी। तो मैंने यहाँ पे सारे मसाले को ऐड नहीं की हुई हूँ, मैंने आधा ही मसाला को इसमें ऐड की हुई हूँ क्योंकि मेरी सब्ज़ी की क्वांटिटी कम है। तो मैंने यहाँ पे एक और सब्ज़ी में बना रही थी तो इसीलिए मैं यहाँ पे ज़्यादा मसाले को बना करके रखी हुई हूँ। तो आप लोग भी इसकी मात्रा, आप इसकी क्वांटिटी आप लोग देख लीजिएगा कम या ज़्यादा और उसके अनुसार ही आप इसमें मसाले को ऐड कीजिएगा। तो आप इसमें जितना ग्रेवी पसंद करते हो उतना इसमें पानी ऐड कीजिएगा। तो मसाले डालने के बाद मैं इसे 2 से 3 बार अच्छी तरह से मैं फ्राई करूंगी और इसे मैं 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से मैं फ्राई करूंगी। और इसे आप जितना फ्राई कीजिएगा मसाला डालने के बाद तो वो उतना ही अच्छी बनती है। तो देखिए मैंने यहाँ पे इसे अच्छी तरह से मैं फ्राई कर रही हूँ। तो आप लोग भी इसे अच्छी तरह से फ्राई कीजिएगा क्योंकि आप इसे जितना फ्राई कीजिएगा आपकी भी सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनने वाली है। तो देखिए मेरी सब्ज़ी आप लोग चाहे तो ऐसे भी खा सकते हैं लेकिन मुझे तो ग्रेवी वाली सब्ज़ी चाहिए। तो मैंने यहाँ पर पानी को ऐड कर दी हुई हूँ। तो मैंने यहाँ पर 1 गिलास से थोड़ा सा ज़्यादा पानी को ऐड की हुई हूँ। तो मैंने यहाँ पर थोड़े से ही कटहल की सब्ज़ी आपके साथ शेयर की हुई हूँ। तो क्योंकि मेरे घर में 2 ही लोग इस कटहल की सब्ज़ी को खाते हैं तो इसलिए मैंने यहाँ पे ज़्यादा कटहल की क्वांटिटी की रेसिपी नहीं शेयर की हुई हो। 2 से 3 लोग इस कटहल की सब्ज़ी को आराम से खा सकते हैं। फिर मैंने यहाँ पे 1 चम्मच मीट मसाला, 1 चम्मच गरम मसाला इसमें ऐड की हुई हूँ ऊपर से, क्योंकि अगर आप गरम मसाला को पहले ऐड करते हैं तो उसका फ्लेवर अच्छा नहीं आता है, इसीलिए आप गरम मसाला इसमें लास्ट में ऐड कीजिए। अब मैं इसे ढक दूंगी। तो मैं यहाँ पे 2 मिनट से 3 मिनट तक अच्छी तरह से ढकने के बाद देखिए मेरी हो गई है 2 से 3 मिनट। इसके बाद मैं इसका लीड हटा ली हुई हूँ। इसका लीड हटाने के बाद देखिए मेरी सब्जी, गर्मा गर्म सब्जी कितनी यमी बनी हुई है, इसका कितना अच्छा प्यारा सा कलर आया हुआ है, देखते ही मुंह में तो पानी आ गया होगा आप लोग को। तो देरी किस बात की है, इस इजी प्रोसेस से आप कटहल की रेसिपी बना सकते हैं और वो भी बहुत ही जल्दी में। कटहल को अगर आप उबाल के बनाते हैं तो आपकी कटहल एकदम सॉफ्ट बनेगी, एकदम मुलायम बनेगी और मीट को भी ये रेसिपी फेल करने वाली है। तो आप मीट भी खाना छोड़ देंगे अगर इस तरह से कटहल को उबाल कर ये सब्ज़ी बनाएंगे तो देखिए मेरी कटहल आपको मैं पास से दिखा रही हूँ कितनी यमी, कितनी टेस्टी, कितनी लजीज बनी हुई है ना फ्रेंड्स। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा फ्रेंड्स, और सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास डायरेक्ट पहुंच सके। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। इस तरह की और न्यूज़
पुरानी वीडियो मेरी चैनल पर मिलती रहती है। तो चलिए इस तरह से देखते रहिए, एंजॉय कीजिए। बाय बाय गाइस, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।